बदलते समय के साथ हमारे रिश्तों का स्वरूप भी बदला है। प्यार की जगह अब जलन, मौका परस्ती और स्वार्थ ने ले ली है। मैं इस लड़के को नहीं रखना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। क्या हम इतने बदल गए हैं कि आपसी रिश्तों में भी चालबाजी करने लगे हैं? अगली बार से मैं थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा। ए, मेरा होने वाला साला है तू। और रिश्तों में हार जीत की भावना ने इसे एक जंग का मैदान बना दिया है। घर में इतना टेंशन चल रहा है, तुझे तेरे ट्यूशन की पड़ी है? हो आई, अभी बस थोड़ी देर में ट्यूशन से निकलने ही वाली है। औरत की बेचारगी और रिश्तों के खोखलेपन की ऐसी ही कहानी है हमारा आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का ये एपिसोड। मुझे तो वो लड़की ही प्रॉब्लम लगती है। इस लड़की की लाइफ में एक नहीं काफी सारे एंगल्स हैं। अब तेरे को बताऊंगा मैं जबरदस्ती क्या होती है। क्या गला घुट कर मारा है? आखिरी मौका है, सच बोल दो। क्यों थी इस कदर नफरत कि किसी की जान भी ली जा सकती थी? मुंबई से लेकर कोल्हापुर तक मेरी बेइज्जती करवा कर जब तू यहाँ पे भी नए प्रॉब्लम क्रिएट करने आ गई है। मैंने जो किया ना तेरी भलाई के लिए किया है, और मुझे तेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, तो वो खुद कर लेगी। तो तू बहुत महान है ना? तो अपनी ये महानता तेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे पता है तू क्या कर सकती है, वैसे भी पूरे कॉलेज में तो बदनाम है। और मम्मी तेरी, एक तो मेरा जीना आराम करके रखो, ऊपर से तमीज लड़की है, छोड़ मुझे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। पार्टी कर लो, रुक, तुझे तो मैं छोड़ूंगी। अरे अरे, गाड़ी ने उड़ा दी इसको। अरे अरे, कोई पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। एक्सक्यूज मी मैम, अब लड़की कैसी है? खून काफी बह जाने की वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा है। लड़की फिलहाल सेमी कॉन्शियस स्टेट में है, लेकिन ऐसे कोई मेजर इंजरीज नहीं है। क्या हम लड़की के साथ बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ? आप अचानक गाड़ी के सामने कैसे आई? जी सर, वो सुहानी मेरी कजन सिस्टर, मुझे धक्का दिया, मारा। सुहानी मुझे धक्का दिया, धक्का प्लीज आप लोग बाहर जाइए प्लीज। चवन मेडिकल के लिए गए सर? हाँ सर, किया, लेकिन इसके ब्लड में अल्कोहल नहीं मिला। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? साथ में काम पे जा रहा था, वो लड़की अचानक से मेरे गाड़ी के सामने आ गई। कब कैसे आ गई मुझे समझ में नहीं आया सर। लोगों ने बिना सुने बिना समझे मुझे मारना शुरू किया। ठीक है, अभी जा सकते हो, लेकिन हमारी इजाजत के बगैर शहर से बाहर मत जाना। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कैसे है मेरी बेटी? उससे कुछ हुआ तो नहीं? साकार है डॉक्टर। देखिए आप शांत हो जाइए, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा खून बहने की वजह से वीकनेस है, लेकिन वो बहुत ही जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वैसे आप लोगों में से सुहानी कौन है? ये है साहब, पर बात क्या हुई? बेहोश होने के पहले डिंपल ने हमें ये बयान दिया है कि सुहानी ने उसे गाड़ी के आगे धक्का दिया। सुहानी, तुमने डिंपल को गाड़ी के आगे धक्का क्यों मारा?
सर डिंपल मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने उसे धक्का नहीं मारा, पता नहीं क्यों वो मेरा नाम ले रही है। अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि डिंपल खुद ही गाड़ी के नीचे आ गई? एक्चुअली सर डिंपल को मैंने नहीं, सनी ने धक्का मारा था। सनी ये कौन है? कॉर्पोरेटर मधुकर शिर्के का भाई सनी शिर्के। उसने डिंपल को धक्का क्यों मारा? वो दुश्मनी है उसकी? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आनी तुम झूठ बोल रही हो, डिंपल के होश में आते ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आखिरी मौका है, सच बोल दो। सर मैं सच बोल रही हूँ। मुझे मालूम नहीं था ये सुहानी इस कदर बदला लेगी, वरना मैं डिंपल को यहाँ कभी लाती ही नहीं। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं इनको क्या बताऊंगी? कसम तोड़ नाको मैं अन्ना देवा। अरे तू चुप बैठेगी थोड़ी देर? हाँ अब चुप तो बैठना ही पड़ेगा, वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना सुहानी को। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ हो गया दिमाग खराब, क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो मुझे। फालतू की बात तो तुम करो मत। इन लोगों को बाहर भेजो। देखिए मैडम ये हमारे घर का मामला है। देखिए यहाँ पर और भी पेशेंट्स हैं और आपके शोरगुल की वजह से उन सबको तकलीफ हो रही है। आप लोग प्लीज घर जाइए, डिंपल के होश में आते ही हम आप लोगों को खबर कर देंगे। नाउ प्लीज। सर एक्सीडेंट स्पॉट पर हमने पूछताछ की लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। डिस्पैचर स्पॉट के आसपास जरा चेक करो, किसी दुकान में कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? उससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और जरा इस सुहानी के बारे में इंक्वायरी करो, मुझे लगता है शायद कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रही है। ओके सर। मुझे तो पहले से ही लगा था कि ये सुहानी अच्छी लड़की नहीं है, और आज तो हद ही कर दी इसने। मेरी बेटी की जान लेना चाहती थी ये। डिंपल के पापा हमेशा से कहते थे कि उसे दूर रखो सुहानी से, लेकिन नहीं, मैं तो भांजी के प्यार में पड़ गई थी, कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर डिंपल को कुछ हो जाता तो उसके बाबा तुझे जिंदा नहीं छोड़ते। हाँ सर, सनी मेरा छोटा भाई है, लेकिन ये जब एक्सीडेंट हुआ था ना उस वक्त सनी कॉर्पोरेशन के ऑफिस में था। कह रहे कुठे होता तू? मी तिथे तो भाऊ, वो ऑफिस के सब लोगों ने देखा है मेरे को, आप पूछ लो उनसे। तो वो झूठ बोल रही है? 100% साहब। अच्छा ये बताइए वो झूठ क्यों बोलेगी? साहब अभी ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है ये तो हमें भी नहीं समझ में आता। हमने इसकी और उस लड़की की शादी तय की, लेकिन वो तो नाबालिग है। तय किए अगले साल करने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की मेरे भाई को फंसाना चाहती है। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई थी तुम दोनों के बीच? नहीं साहब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे तो वो लड़की ही प्रॉब्लम लगती है। अरे नहीं भाऊ, तपुरीला ओळखतो मी, साहब वो अच्छी लड़की। वो लड़की तेरे को फंसाना चाहती है और तू उसी की तरफदारी कर रहा है। देखा इंस्पेक्टर साहब कैसा है ये प्यार। फोन की बात कर रहे हो? यहाँ बाबा ने मेरा नंबर भी बंद कर दिया और मुझे नहीं लगता मेरा फोन इस साल मिलने भी वाला है। अरे बाबा पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। नहीं नहीं अपना नहीं, कुछ और। ओके ओके बाबा कल मिलते हैं, बाय। आई मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं जाकर आती हूँ। घर में इतना टेंशन चल रहा है, तुझे तेरे ट्यूशन की पड़ी है? आई घर में रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, तो क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ, घर पर बैठ जाऊँ? और आई आपका और बाबा का तो सपना है ना मुझे डॉक्टर बनाने का। मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, तू बोल रही थी सनी ने डिंपल को धक्का मारा, मतलब ये नहीं समझ ला सनी ने उसको क्यों धक्का मारा? तेरी और उसकी तो आई छोड़ नहीं, ये सारी बातें तुम बेकार में इतने टेंशन लेती है। मैं जाकर आती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। रुक, राजा को अपने साथ लेके जा। राजा राजा
देशपांडे इतना तो कंफर्म है, या तो सुहानी झूठ बोल रही है या फिर मधुकर और सनी। सर हमने पूछताछ की लेकिन उस वक्त सनी कॉर्पोरेशन के ऑफिस में ही था। लेकिन एक्सीडेंट स्पॉट भी तो कॉर्पोरेशन ऑफिस के नजदीक है और वहाँ इतनी भीड़ होती है कि अगर एक पल के लिए आदमी निकल भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। सर अगर सनी ने धक्का दिया है तो डिंपल ने सुहानी का नाम क्यों लिया? देशपांडे नाम लेने के पीछे ये वजह हो सकती है कि दोनों बहनों के बीच कोई बॉयफ्रेंड का एंगल। सर और एक बात मुझे अजीब लगी, आज के जमाने में गरीब से गरीब आदमी के पास मोबाइल है लेकिन सुहानी के पास नहीं है, और जब हमने सुहानी के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला साहब सुहानी बहुत पढ़ाकू लड़की है, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है। संदेश वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बन जाए, इसीलिए उन्होंने उसे पढ़ने के लिए मुंबई भेज दिया था। हाँ मतलब वो अभी भी पढ़ रही है ना? पढ़ तो रही है साहब, आठवीं कक्षा से ही वो मुंबई पढ़ने गई थी। अब जब बारहवीं में आई है तो पता नहीं साहब पिछले 4 महीने से वो वापस कोल्हापुर आ गई है, और संदेश भाव ने भी यही के एक कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया है। बीच सेमेस्टर से वापस लड़ने का क्या मतलब है? जरा पता करो ये सुहानी मुंबई में कौन से कॉलेज में थी, हो सकता है इस केस के तार मुंबई से जुड़े हो। तो तेरे बेटी की औकात नहीं है मेरे सनी के साथ शादी करने की, लेकिन फिर भी मैं हाँ बोला, तरस खाए तेरे ऊपर। सोचा लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छी है, घर में बहू बन के आएगी, कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ये मेरे ही भाई को झूठे इल्जाम में फंसाना चाहती है। भाऊ ऐसी बात नहीं है, आप बेकार बिगड़ रहे हो, कोई गलतफहमी हुई है। चले पुलिस मेरे घर पे आके गई है। और सुन तेरी बेटी को समझा के रखना, अगर आइंदा से झूठे इल्जाम में मेरे भाई का नाम लिया तो इस शहर में उसका जीना मुश्किल कर दूंगा मैं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी वो। और हाँ ये लगमा की स्वप्न बगड़ो बंद करा, भूल जाओ ये सब शादी वादी। सर हॉस्पिटल से फोन आया है कि डिंपल को डिस्चार्ज दे रहे हैं, उसका स्टेटमेंट ले लो, अगर वो अब भी कहती है कि सुहानी ने उसे धक्का मारा है तो फिर हमें सुहानी को अरेस्ट करना होगा। ओके सर, क्या आप अभी भी यही स्टेटमेंट देना चाहती हो कि सुहानी ने आपको धक्का मारा? घबरा मत, जो सच है वो बता दे बेटा। जी सर, उस दिन मेरा और सुहानी का रास्ते में झगड़ा हुआ और उसने मुझे कार के सामने धक्का दे दिया। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि सुहानी ने आपको धक्का मारा? किसी और ने भी मारा होगा, क्योंकि आप अलग भाग रही थी और वो आपके पीछे, आपके पीछे आंखें तो नहीं है ना? पर धक्का उसी ने दिया है, मैं जानती हूं। ठीक है फिर आप ये स्टेटमेंट पे साइन कर दीजिए। तो तुम्हारा कहना है कि डिंपल झूठ बोल रही है? हाँ सर लगता तो ऐसे ही है। अगर धक्का सुहानी ने नहीं दिया और सनी वहां पर मौजूद ही नहीं था फिर ये काम किसका है? कितनी देर कर दी आने में, सुहानी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है? ले पकड़। कब से वेट कर रही हूँ, इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? पता है तुम्हारी वजह से हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। यार मेरी गलती नहीं है, वो जो सिग्नल है ना वहाँ पे बहुत भीड़ थी, पूरा रोड ब्लॉक था। पता है, अब एक्सक्यूजेस मत दो। अरे यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, 2 मिनट में खुश हो जाती हो, 2 मिनट में मुंह लटका लेती हो, क्या चक्कर क्या है तुम्हारा? चक्कर ये है कि बाबा मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। हाँ तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, बस कुछ ही महीने को तो बात है, तुम 18 की हो जाओगी और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। सच? हाँ बिल्कुल सच। हो आई अभी, बस थोड़ी देर में ट्यूशन से निकलने ही वाली है। हो
अच्छा चलता हूँ। और हाँ भाऊ, अगली बार से मैं थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा। दे मेरा होने वाला साला है तू, ज्यादा लालच दिखाए ना तो कान के नीचे बजा दूंगा, समझा ना? चल भाई जल्दी चलाई के फोन आ रहे। संभल के बेटा, तू कशी है तू? अच्छा फिर से आ गई है आप लोग, फिर से आ गई इसे लेकर। इस लड़की की वजह से मेरा पढ़ाई, मेरा करियर, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो गई। इसे लेकर जाओ, मैं इस लड़के को नहीं रखना चाहती हूँ। जा निकल तो यहाँ से। तू होती कौन है ये बोलने वाली? इस घर पे मेरा और मेरे बेटी का उतना ही हक है जितना कि भाऊ और तेरा। दोबारा अगर मेरे बेटी के बारे में कुछ बकवास की तो याद रखना जबान खींच लूंगी तुम्हारी। ए, जा यहाँ से, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। चल आजा, आजा बेटी। हाँ हो मैं बोलतो तुमसे। भाऊ आका खेल रहा हो लगा। भाऊ जब चाह तब शादी तय की, जब चाह तब तोड़ दी। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। मैंने अभी सारे दोस्तों को बोल दिया है मेरी शादी होंगी तो उससे चाहूंगी। अब नहीं करूंगा तो मजाक उड़ाएंगे मेरा वो लोग। हमारा इज्जत ही सका, मेरी इज्जत का तो फायदा हो जाएगा ना भाऊ। तेरी इज्जत है कहाँ है? तेरी शादी जो हो रही है ना वो मेरे नाम पर हो रही है। वो लड़की के साथ तूने क्या किया था कि वो तेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? अरे मी काही ना केला भाऊ, जबरदस्ती की थी उसके साथ। अरे शपथ भाऊ मैंने कुछ नहीं किया। मग तो मुझे वेट लगले तुझा नाव खेला। वो लड़की बोल रही है तूने उसकी बहन को धक्का मारा इसलिए वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। क्या किया था मैंने तेरे साथ? हाँ क्या किया था? सिर्फ शादी करना चाहता था ना तेरे से और तूने मेरे पे इल्जाम लगा दिया। तेरे से तेरे को थोड़ा भाव किया दिया मैंने, तू मेरे सर पे नाचे की अभी? क्यों किया ऐसा? क्यों बोला मेरे बारे में झूठ? क्या किया था मैंने? रेप किया था तेरा? जबरदस्ती की थी तेरे साथ? कुछ भी नहीं। फिर भी मेरा नाम बोला तूने? हाँ अब तेरे को बताऊंगा मैं जबरदस्ती क्या होती है। बाबा छोड़ो छोड़ो बाबा 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 ए छोड़ छोड़ बाबा। अभी के लिए तो छोड़ रहा हूँ उसको, पर अब देख तू इसके साथ मैं क्या क्या करता हूँ। फोटो छपेगी इसकी अखबारों में, समझा? हटो रे। तेरे को शहर के बाहर छोड़ना पड़ेगा और ना ये लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं। ताई मैंने सुहानी और विक्की के बारे में बता के कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी ना। ये सब बेकार की बातें सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दे। चल जो पता। पर आई जो पता मुझे आपको कुछ बताना है। चुप एकदम चुप, मैं जानती हूँ लेकिन तू वो बात कभी किसी को नहीं बोलेगी, शपथ है तुला। ठीक है आई, आप जैसा ठीक समझो। आई मैं थोड़े दिनों के लिए यहाँ से कहीं जाना चाहती हूँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। हाँ जा सकते हैं, यहाँ पास में तेरे बाबा के दोस्त का एक घर खाली पड़ा है, वहाँ जा सकते हैं। ये मत समझना कि हम लोग डर गए हैं और इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं, और ये भी मत समझना कि ये घर अब तुम्हारा हो गया है। सुहानी ने जो कुछ भी किया है ना डिंपल के साथ, उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। डिंपल के पापा को मैं सब बताने वाली हूँ, फिर देखना दुबई से आकर वो तुम्हारी बेटी का क्या हाल करते हैं। भाऊ शादी टूट गई ना मेरी, अब किसी को तो सजा भुगतनी पड़ेगी। पर भाऊ शादी मैंने तोड़ी ना तोड़ी, वो तो ताई की। तेरी ताई ने तोड़ी ना शादी, वही नाटक कर रही ने सब। लेकिन तू तेरी ताई का भाई है, साला है तू आजा, अब तू भुगतेगा। तुम लोगों में जितनी ताकत है तेवड़ा ताकती ने सोला है।
मजा आया ना बेटा? अपने घर जाके तेरी बहन को बोलना अगर वो गलती से मेरे को मिल गई तेरे से भी बदतर हालत करूंगा उसकी। चला रे। सुट्टे देना, सुट्टे ना ये। अरे राहु दे, सुट्टे राहु दे। डिंपल, डिंपल बेटा देख तो कौन आया है? आ तो सिल। बक तो। हाँ। डिंपल? डिंपल बेटा। डिंपल। डिंपल बड़ा। डिंपल। डिंपल खाई था। डिंपल। उठले डिंपल। डिंपल। बड़ा खाई था ना। डिंपल। कहाँ होते? बाजूला सर, किसी ने इसके चेहरे पर तकिया रखा होगा और दम घुटने की वजह से शायद इसकी मौत हो गई। आप कौन? मैं राजेंद्र सावंत, डिंपल का पिता, दुबई में काम करता हूँ। राधा ने फोन पर मुझे सब कुछ बताया और यहाँ आकर देखा कि डिंपल। सर, मुझे पूरा यकीन है ये काम उस सुहानी का ही है। उसी ने मार डाला है मेरी बेटी को। उसे हमेशा प्रॉब्लम थी मेरी बेटी से, डिंपल से प्रॉब्लम थी उसे। देशपांडे, जरा आसपास इंक्वायरी करो, पता करो किसी ने कुछ देखा सुना है क्या। ओके सर। सुहानी, तुमने डिंपल को क्यों मारा? सर, डिंपल मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने उसे नहीं मारा, पता नहीं क्यों बुआ मेरा नाम ले रही है। पटून दे। सर, मुंबई पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुहानी वहाँ के कांदिवली ईस्ट के केआर कॉलेज में पढ़ती थी। मुंबई पुलिस अभी भी इंक्वायरी कर रही है, जल्दी हमें डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ के कॉलेज से कुछ पता चला? सर, यहाँ उसने अभी अभी एडमिशन लिया है, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक दोस्त है, मोंटी नाम है उसका। ज़रा पता करो इस सुहानी और मोंटी के बीच में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि सुहानी और डिंपल के बीच के झगड़े की वजह ये मोंटी है। ओके सर। आ गया तू तो हीरो। हाँ, क्या रे, तू इतना घबरा क्यों रहा है? अबे देख, मैं तो तुझे छोटू सा बच्चा समझता था। अबे पर तू, अबे साले बहुत पहुंची हुई चीज निकला। भाव क्या मतलब? अरे घबरा मत, देख तेरा और सुहानी का ना मेरे को राज पता चल गया। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग पीछे कमरे के? हाँ, ले पकड़। चलता हूँ, अगली बार से मैं थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा। भाव नहीं, वो तो बस हम लोग ऐसे ही वापस। घबरा मत, तू ना बस मेरे को सुहानी दिलवा दे। हाँ, बस बस एक बार सुहानी दिलवा दे। देख, तू जितने पैसे बोलेगा ना मैं उतने पैसे दूंगा तेरे को। अबे बोलेगा, दिलवा रहे ना, सुन बोलना। बोल। 15,000। 15,000 कायजा ले रहे? हवा निकल गई सारी। देख भाऊ, पैसे है तो बता, वरना यहाँ पे लाइन बहुत बड़ी है, समझा? ए, ए, ए। कल मिल, तेरे मुंह पे पैसा मारूंगा मैं। ठीक है, तो कल 10 बजे मिले। हाँ, कल 10 बजे। पर तू सुहानी को लेकर आएगा ना? 10 बजे टाइम पे आ। हाँ, मैं टाइम पे आ जाऊंगा, तू लेट मत हो ना, टाइम पे आ जाना कल। कल 10 बजे। भाई तू खुश हो जा, कल तुझसे मिलने विकी आ रहा है। पर उसने तो कहा था कि वो। हाँ बाबा, सरप्राइज दे तो तुला। उसको ये बात बताने नहीं कि मैंने तुझे बताई। कल टाइम पे तैयार हो जाना। ओके।
सुहानी पढ़ाई में जितनी अच्छी है नेचर में भी उतनी अच्छी है। सुहानी का एक दोस्त है मोंटी नाम का, सिर्फ दोस्त है या दोस्त से कुछ ज्यादा? सर सुहानी अभी अभी आई है कॉलेज में तो ज्यादा जानती नहीं, लेकिन इतना पता है कि मोंटी है जिससे वो ज्यादा फ्रेंडली रहती है, पर मोंटी उससे अपनी दोस्त से ज्यादा समझता है क्योंकि वो उसके फोन में उसके वॉलेट में हमेशा सुहानी की फोटो रखता है। ट्यूशन से आज जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? वो एग्जाम आ रहा है ना तो ट्यूशन टीचर ने एक्स्ट्रा लेक्चर रखा है, तो थोड़ी सा लेट हो जाऊंगी, एक डेढ़ घंटे। ठीक है, संभल के जाना। हाँ। ये लड़की कहाँ चली गई? बिना दूध पी ही चली गई क्या? ताई अंदर है, मैं देख के आता हूँ दूध। ताई दूध। तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ताई ताई विक्की वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना, कब से रुका है बेचारा। चलो जल्दी बस आई गए ताई, चलो। भाऊ 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 पहले बाकी के पैसे तो दो। अरे आके देता हूँ मैं तेरे को पैसे। ठीक है जाओ। अच्छा सुन, कुछ नाटक तो नहीं करेगी ना? मैंने सब इंतजाम कर लिया भाऊ, नशे में जो कुछ भी करना है करो और जल्दी वापस आ जाओ। सुन मैं आके पैसे देता हूँ तुझे। ये ले। और सुन मेरे को सुहानी कल भी चाहिए। कल के फिर 15,000 लगेंगे। 15,000? देख देख मैं तेरे को 10,000 देता हूँ ना। भाजी तरकारी समझा क्या? 15,000 पूरे हुए तो ही फोन करना वरना भूल जाना। चलो अबे अरे अरे बाबा क्या हुआ ताई? विक्की आया था ना? ताई विक्की आया नहीं था, विक्की का फोन आया था। वो विक्की को कुछ अर्जेंट काम पड़ गया ना तो इसे वो बोला कि वो नहीं आ पाएगा। और ताई वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, हमें अभी घर जाना चाहिए ताई। चलो चलो। विक्की नहीं आया था तो फिर मैं शायद मैं सो गई थी। मेरे सोने के बाद कोई आया था क्या? ताई मुझे तेरी तबीयत ना सही नहीं लग रही है ताई। ताई हमें घर जाना चाहिए, मेरी बात मान। चल 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 जल्दी घर जाते हम लोग। चल चल। सर मैं सर सुहानी का दोस्त नहीं हूँ सर, सर उसका बॉयफ्रेंड हूँ सर। और उसने सनी से भी शादी सिर्फ मेरे लिए तोड़ी थी। और सनी क्या सर, उसने तो मुंबई के बॉयफ्रेंड को भी मेरे लिए छोड़ा था सर। ठीक है जा सकते हो, लेकिन पुलिस स्टेशन से, शहर से बाहर नहीं। देशपांडे ये लड़का पूरा सच नहीं बता रहा, इसके बारे में जितनी हो सकती है इन्फॉर्मेशन निकालो। और जरा पता करो ये मुंबई वाला बॉयफ्रेंड कौन है। सर मुंबई पुलिस ने जो कॉलेज में इंक्वायरी की थी उसमें किसी विक्की नाम के बॉयफ्रेंड का जिक्र हुआ है और वो कांदिवली में ही रहता है। इस लड़की की लाइफ में एक नहीं काफी सारे एंगल्स हैं,
जरा इसकी भी खोज खबर निकाल और जरूरत पड़े तो उठा लो। ओके सर। आखिर रिश्तों की एक ऐसी गुर्बत थी कि एक बहन पर अपनी ही बहन के कत्ल का आरोप लगा था और एक भाई अपनी ही बहन की इज्जत का सौदा कर रहा था। क्या राजा को इस बात का एहसास था कि क्या जुर्म क्या पाप कर रहा है वो, और उसके ऐसा करने के पीछे कारण क्या सिर्फ पैसों का लालच था या कुछ और? यहाँ रिश्ते एक पुराने घाव की तरह सड़ चुके थे और किसी को परवाह नहीं थी इसके परिणामों की। साहब मैं 2 दिन से बाहर थी, आज लौटी तो पता चला कि बिल्डिंग में खून हुआ है, और साहब मैं उस दिन मार्केट से आ रही थी तो एक लड़की टकराई मुझसे। अगर थोड़ा हड़ू थोड़ा हड़ू। क्या ये वही लड़की थी? हाँ साहब यही थी। ये गाड़े बोलते हो क्या? ठीक है हम वहां पहुंचते हैं। सर एक पड़ोसी ने सुहानी को यहाँ से भागते हुए देखा, मतलब ये खून सुहानी ने किया है। देशपांडे सुहानी का भी मर्डर हो गया। सरवाना बाहर बैठवा। सर लगता है रस्सी या दुपट्टे जैसे चीज से गला घुट कर मारा है। हो सकता है ये दोनों कत्ल एक ही इंसान ने किए हो। फॉरेंसिक को बुलाओ और यहाँ के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो। मुझे डीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। वैसा देखिए हम समझते हैं कि आप लोग सदमे में हैं, लेकिन कुछ सवाल हमें आपसे पूछने होंगे। सुहानी यहाँ क्या कर रही थी? ये घर भी हमारे ही है साहब। सुहानी कभी कभी पढ़ने आती थी यहाँ, पर आज वो यहाँ आई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सर ये 3 लोग हैं जिनके पास सुहानी को मारने का मोटिव है। सनी, मोंटी और विकी। सनी के साथ सुहानी की शादी टूट गई थी। दूसरा मोंटी, जो अपने आप को सुहानी का बॉयफ्रेंड बताता है लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। और तीसरा विकी, जिसे छोड़कर सुहानी यहाँ कोल्हापुर में आई थी। देशपांडे इन 3 के अलावा भी एक और आदमी है जो सस्पेक्ट हो सकता है, और वो है सुहानी का बाप संदेश। सुहानी की वजह से उसकी काफी समाज में बदनामी हुई और इस ह्यूमिलेशन से तंग आकर हो सकता है कि उसी ने अपनी बेटी को मार डाला। इन 3 के अलावा तुमने सुहानी की फैमिली के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकाले थे ना, कुछ मिला उसमें? हाँ सर, विकी मोंटी और सनी इन 3 का मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट के बिल्कुल करीब था। और एक बात सर, सुहानी का भाई राजा, उसके मोबाइल का भी लोकेशन मर्डर स्पॉट के करीब था। इन 4 को उठाओ। और डिंपल के केस में एक्सीडेंट से लेके मर्डर तक की सारी घटनाओं पर गौर किया जाए तो यही लगता है कि सुहानी ने डिंपल का मर्डर किया है। तू गाड़ी थांबो। सब सब किया क्या मैंने? अरे सब सब मैंने उसको नहीं मारा साहब। मैं तो सुहानी से बहुत प्यार करता था सर। उसके 18 के होने के बाद हम लोग शादी करने वाले थे सर। शादी करने वाले थे? ठीक है हाँ, तू पहले से शादीशुदा है और इस बात का पता सुहानी को चल चुका था और वो तेरी जिंदगी में मुसीबत बन चुकी थी, इसीलिए तूने उसे मार डाला। नहीं 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 साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब। मैं मानता हूँ साहब मेरी पहली शादी हुई थी, पर वो रजिस्टर नहीं थे साहब। मैं तो सुहानी को अपनी लीगल बीवी बना सकता था साहब, और मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती साहब, वो तो कोकड़ में अपनी फैमिली के साथ रहती है साहब। अरे सर इसकी तब तक ठुकाई करो जब तक ये सारा सच नहीं उगलता। ओके सर। साहब मैं सच कह रहा हूं साहब। आई सब साहब मैंने नहीं मारा सुहानी को साहब। मैं क्यों मारूंगा, क्या जरूरत है उसको मारने की साहब? मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल रहा था। मतलब? वो सुहानी और उसका भाई दोनों मिलकर धंधा करते थे साहब। मैं खुद 2-3 बार पैसे देकर उसके साथ मजे किया था साहब। सुहानी और उसका भाई मिलकर ये काम करते थे? साहब मैं ये नहीं करता तो हमें क्या करता था साहब? जेब में 1 रुपए नहीं रहते थे मेरे। मेरे सारे दोस्तों भी मेरा मजाक उड़ाते रहते थे पुकटिया पुकटिया बोल बोल के। मेरे बाबा तो मुझे भूल ही गए थे साहब।
सिर्फ ताई और उनकी पढ़ाई याद रहती थी उन्हें। साहब फिर जब ताई की शादी सनी के साथ तय हो गई तो सनी मुझे अपने साथ रखने लगा। साहब वो मुझे ऐश भी कराता था और पैसे भी देता रहता था, लेकिन ताई ने जब उसके साथ शादी तोड़ दी तभी उसने मुझे बहुत मारा साहब। ऊपर से अपने दोस्तों से भी पिटवाया था मुझे। साहब अभी पैसे मिलने भी बंद हो गए थे, ये सब ताई की वजह से ही हो रहा था। फिर साहब जब मोंटी ने मुझे बोला कि वो मुझे पैसे देगा तब मुझे लगा कि जब सब कुछ ताई ने मुझसे छीना है तो अब ताई मेरे लिए इतना तो कर ही सकती थी। फिर मैंने वो सब किया साहब। और सुहा ने इस काम के लिए मान गई? नहीं साहब, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। मतलब? वो साहब मैं उसे नींद की दवाई देता था। विकी उसे मिलने आ रहा है ऐसा कहकर मैं उसे पुराने घर पर लेके जाता था साहब, और फिर दवाई के असर होने का इंतजार करता था। ये नींद की गोलियां तुम्हें कहां से मिली? केमिस्ट से साहब। उस स्कूल के बच्चे नशा करने के लिए नींद की गोलियां लेते थे, मैं भी लेता था साहब, लेकिन एक बार मैंने 2-3 गोलियां ज़्यादा ले ली और फिर मैं 2-3 घंटे तक सोता ही रहा। मैंने वही गोली ताई को खिला दी साहब। मोंटी के अलावा तुमने किस किस को सुहानी के पास भेजा? बोलो साहब। वो सनी को। मैंने राजा को नहीं बुलाया, राजा ने मुझे बुलाया था। अरे फिर से मार खाने आ गया तू? हाँ लगता पिछला भूल गया तू मार। इस बार तेरे को झाड़ पे लटका के मारूंगा। भाव अगर मैं आपको ताई के साथ वो सब करने दूं तो भी आप मुझे अपने साथ नहीं रखोगे? दूसरे दिन राजा ने फोन किया और मुझे 10:30 बजे उसके पुराने घर आने के लिए बोला। मैंने उसे 10:30 बजे इसलिए बुलाया क्योंकि 12:30 बजे विकी आने वाला था। माँ ने लड्डू बनाए थे और मैंने उसी लड्डू में नशे की दवाई मिलाकर ताई को खिला दी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा सर, राजा बाहर ही खड़ा था। उसने मुझे बोला कि भाऊ। हाँ बोल बेटा। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, इतनी देर में तुम्हें जो करना है करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बरा इधर ही रुकेगा ना? आज मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए। काम इकड़े हो भाव। मैं जैसे ही रूम के अंदर पहुंचा साहब तो सुहानी बेहोश पड़ी थी। मैं उसके करीब गया और दुपट्टा हटाया तब अचानक वो मैं आ गया। राजा क्या हुआ ताई? ये क्या? अरे ताई तो तू चिल्ला क्यों रही है? तू इन्हें जानती नहीं क्या? अपने ही तो है ये। हाँ जानता था कि ये मेरे साथ क्या करने वाला था, और उस दिन भी तूने मेरे साथ किसी को। राजा तो मेरा भाई होकर मैं बताऊंगी, मैं आई बाबा सबको बताऊ और पुलिस में भी। घर वालों से और पुलिस से बचने के लिए तुमने उसे मार डाला? नहीं साहब, इससे पहले हम कुछ सोचते वो हमें बाहर से लॉक कर भाग गई थी। ताई बहुत ज्यादा नशे में थी इसलिए शायद उसे याद नहीं था कि उसी रूम में बाहर जाने का एक और दरवाजा था। हम दोनों वहां से भाग कर कहीं जाकर छुप गए थे साहब, और फिर मुझे आई का फोन आया कि किसी ने ताई का मर्डर कर दिया। मोंटी, विकी, सनी और राजा, अगर इनमें से किसी ने सुहानी को नहीं मारा तो फिर वो कौन हो सकता है? देशपांडे कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। सुहानी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स निकालो। ये जो ड्रेस सुहानी ने पहनी है इसका दुपट्टा कहाँ है? मर्डर स्पॉट पे कोई दुपट्टा मिला था क्या? क्योंकि सनी ने कहा कि जब उसने सुहानी का दुपट्टा हटाया तब उसे होश आया। लेकिन सर मर्डर स्पॉट पे कोई दुपट्टा नहीं मिला। देशपांडे मुझे लगता है कि अब हम शायद सही दिशा में जा रहे हैं। सुहानी के घर की तलाशी लो।
मारती नहीं तो क्या करती साहब, उसके प्यार में पड़ने की वजह से उसको बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। उसे रातों रात मुंबई से कोल्हापुर बुलाया गया, 12वीं में पढ़ रही थी वो, उसकी पढ़ाई की चिंता तक नहीं की, और अब तो उसकी इज्जत लूट चुकी थी। ये बात समाज में पता चल जाती तो लोग उसे इज्जत से जीने नहीं देते, हर पल मरती रहती वो। मैं झूठ नहीं बोल रही, पागल हो गई है तू? आई मेरी बातों में यकीन कर, आई मैं झूठ नहीं बोल रही, आई तू आ देखना, छोड़ मुझे, आई मैं तुझे दिखा, झूठ नहीं बोल रही यार, पागल हो गई है तू? आई तुझे यकीन नहीं है ना, मैंने उन दोनों को यही बंद किया था, तू खुद से देख आई। कोई भी तो नहीं है यार, क्या हुआ है तुझे? हाँ क्यों अपने ही भाई पर इतना झूठा इल्जाम लगा रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने इन दोनों को बंद किया था, और ये सच्चाई मैं सबको बताऊंगी, बाबा को, पुलिस को, सबको मैं बताऊंगी, और इन्हें छोड़ूंगी। कहाँ जा रही है तू? हाँ कहाँ जा रही है तू? सबको सबको बताऊंगी, सबको बताएगी तू? कैसे बताएगी? मैं भी देखती हूँ मुझे की बताएगी, सबको बताएगी, बोल बताएगी सबको। पता नहीं कौन सी सदी में जीते हो तुम लोग, आज भी बेटा और बेटी में फर्क करते हो। राजा जैसे अपराधी को तो तुम नहीं बचा पाई, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में अपनी मासूम बेटी को भी खो बैठी। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब जेल में बैठ के सोचना कि अगर बेटी की जगह बेटी को बचाती तो कितना अच्छा होता। अनीता ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उस पर हो रहे अत्याचारों से उसे मुक्ति दिलवाना चाहती थी। सुहानी एक अच्छी छात्रा थी, लेकिन उसकी गलती क्या थी? यही कि उसने प्यार किया। लेकिन इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी कि विक्की शादीशुदा था और उसे धोखा दे रहा था। अगर संदेश सुहानी को प्यार से समझाता तो शायद सुहानी ये बात समझ जाती, लेकिन संदेश द्वारा लगाई गई इतनी बंदिशों और शर्तों ने सुहानी को बागी बना दिया था। अनीता को सुहानी के कत्ल के लिए, मोंटी को बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया, साथ ही राजा को बलात्कार के षड्यंत्र और देह व्यापार के जुर्म में, और विक्की को एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। डिंपल के कत्ल की पहेली अब भी अनसुलझी है। पुलिस ने अपने तजुर्बे से यही अंदाजा लगाया कि शायद बदले की भावना में सुहानी ने डिंपल का कत्ल किया होगा। गलत रास्ते के चुनाव के साथ जिंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन एक ना एक दिन ये हमें परेशानी में लाकर खड़ा कर देती है। सही रास्ता हर पल हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन यहां हम शर्मिंदगी और अपराधी बनने का कारण नहीं बनते। इसलिए मुश्किल ही सही, नेक रास्ता चुने और बुरी नीयत वालों से सतर्क रहें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.